नमस्कार मित्रों, मैं हूं तांत्रिक चंदन शास्त्री। आप सभी को मेरे तंत्र मंत्र टोने टूट के चैनल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि 7 घंटे में प्यार आपके लिए तड़पेगा। चुपके से जो है मौली धागा को यहां बांध दे। अगर आप चुपके से मौली धागा को अगर आप यहां बांध देते हैं तो आपका प्यार आपके लिए तड़पेगा, आपके लिए दिन रात आपका यादों में खोया हुआ रहेगा, आपके बिना वो नहीं रह पाएगा। आज मैं एक ऐसी चमत्कारी, एक ऐसी शक्तिशाली लड़का लड़की का वशीकरण करने का उपाय बताने जा रहा हूं। अगर इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो आप 7 घंटे में किसी का भी प्यार को आप पा सकते हैं। 7 घंटे के अंदर में आप खोया हुआ प्यार को वापिस पा सकते हैं, रूठा हुआ प्यार को आप वापिस पा सकते हैं। और ये इतनी शक्तिशाली, इतनी चमत्कारी जो है पावरफुल वशीकरण क्रिया के मैं बताने जा रहा हूं, जो कि आप जो है मौली धागे के द्वारा आप किसी को भी कैसे वशीकरण कर सकते हैं और इस वशीकरण करने का तरीका क्या है, मैं सारे कुछ विस्तार पूर्वक आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। और इसको बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं। आप मेरे वीडियो पर आखिरी तक बने रहे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स पर जाकर के जय मां कामाख्या जरूर लिखे, ताकि माता कामाख्या की कृपा आपके ऊपर सदा के लिए बना रहे। मित्रों, आज जो मैं वशीकरण क्रिया बताने जा रहा हूं ये बहुत ही बिल्कुल बहुत ही आसान और बहुत ही शक्तिशाली और पावरफुल वशीकरण क्रिया बताने जा रहा हूं। और ये टोटके जो है ये बहुत ही कारगर साबित होगी। और ये तंत्र विद्या के तहत में, मैं अघोरी संप्रदाय के तहत में ये एक ऐसी वशीकरण क्रिया बताने जा रहा हूं। ये वैदिक रीति रिवाज के माध्यम से भी कर सकते हैं और तांत्रिक रीति रिवाज के माध्यम से भी इस वशीकरण क्रिया को कर सकते हैं। और इस वशीकरण के द्वारा आप जिसको चाहेंगे उसको आप अपना बना सकते हैं। स्त्री पुरुष के लिए वशीकरण कर सकती है, पुरुष स्त्री के लिए वशीकरण कर सकते हैं। ये वशीकरण दोनों आपके लिए कारगर साबित होगी। स्त्री पुरुष का बहुत ही शक्तिशाली वशीकरण टोट के मैं बताने जा रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए होंगे या मेरे वीडियो पहली बार आए होंगे तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दे और बगल में बेल घंटी को भी जरूर प्रेस कर दे, ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप हमारी तंत्र मंत्र टोने टोटके का ज्ञान को पा सकते हैं। आप अपने जीवन में खुशहाली को पैदा कर सकते हैं, आप अपना घर में शांति का वातावरण को पैदा कर सकते हैं, नकारात्मक शक्ति से आप जो है मुक्ति पा सकते हैं, नजर टोक बुरी आत्मा से आप प्राप्त जो है आप छुटकारा पा सकते हैं। आज मैं बहुत ही शक्तिशाली उपाय में बताने जा रहा हूं। और ये उपाय न सिर्फ आप जो है वशीकरण करने के लिए, ये उपाय के माध्यम से आपकी ग्रहों की जो नकारात्मक प्रभाव आपके शरीर में जो है वो भी खत्म हो जाएगी, नक्षत्रों की कुप्रभाव खत्म हो जाएगी। नकारात्मक शक्ति अगर आपके घर में है या आपके ऊपर में उसकी साया है तो वो भी खत्म हो जाएगी और आपके मन में अंदर में एक खुशहाली का जीवन को आप पैदा कर सकते हैं। आखिर इसको कैसे करना है मित्रों? ये क्रिया को करना होगा आपको सोमवार के दिन में, और इसमें कोई खर्च की जरूरत नहीं है। आप किसी भी पूजा पाठ के दुकान में जा करके आपको लेना होगा एक रील मौली धागा। आप सभी जानते हैं कि मौली धागा पूजा पाठ में देवी देवताओं को भी चढ़ाया जाता है। देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए मौली धागा को चढ़ा करके अपना आप में सुरक्षा कवच को मजबूत रखने के लिए प्रार्थना करते हैं और वो मौली धागा हाथ में जो है रक्षा सूत्र के नाम पर जो है उसको बांधा जाता है, आप सभी जानते हैं। तो आपको लेना होगा मौली धागा, एक दिन पहले खरीद के रख लीजिएगा। और उसके बाद लेना होगा आपको अष्टगंध का पाउडर। अष्टगंध का पाउडर को करना है आपको चमेली का तेल लेना है और चमेली का तेल में अष्टगंध का पाउडर को उसको घोल करके एक पेस्ट बना लेना है, जैसे आप आदि लहसुन का पेस्ट बनाते हैं
उसी तरह का एक पेस्ट बना लेना है और सोमवार के दिन में आपको किसी एक ऐसी जगह पहले आपको एक अकवे का पेड़ या सफेद अकवन भी बोल सकते हैं, अगर मिल जाए तो बहुत ही अति उत्तम, न तो अकवन का पेड़ पौधा जिसको बोलते हैं या अकवे का पौधा, उसके नजदीक में सुबह में सूरज उगने से पहले आपको वहां पर चले जाना है और जा करके आपको जो है आपको अपना मन में जो भी कामना है वो पौधे के पास में खड़ा होकर के बोल लेना है और बोल करके वहां पर एक लोटा शुद्ध जल जो है उस पौधे के जड़ में डाल दीजिएगा। उसके बाद दो अगरबत्ती वहां जला दीजिएगा पौधे के नाम पर, अकवन देवता के नाम पर। उसके बाद जो पेस्ट बनाए थे अष्टगंध पाउडर का, उस पेस्ट के जरिए में आपको अकवन का 5 या 6 या 11 पांच हो या 11 हो या 21 हो पत्ता में आपका वो प्यार का पहला अक्षर जो पड़ता नाम का जो पहला अक्षर, उस अक्षर को एक एक पत्ता में लिख देना है और एक पत्ता में आपका पहला नाम जो है उसका पहला अक्षर लिख देना है। इसी तरह 21 पत्तों में या 11 पत्तों या 5 पत्ते में आपको लिख देना है और लिखने के बाद में सारा पत्तों को जो है इकट्ठा ऐसे कर लीजिएगा, पौधे का सारा इकट्ठा ऐसे करके और उस मौली धागा को उसको लपेट करके मन मन में आप अपना प्यार का नाम 7 बार लेकर के 7 गांठे मार के छोड़ देना है। बस इतना कर दीजिएगा तो आप जिसको चाहिएगा वो आपका दीवाना बन जाएगा और जिसको भी आप प्यार करते हैं वो आपका प्यार के लिए तड़पने लगेगा, आपका खोया हुआ प्यार वापस आ जाएगा 7 घंटे के अंदर में। इसे आप जरूर प्रयोग करें इसी आशा और उम्मीद के साथ फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूं। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। जय माता रानी।